बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उम्मीद करती हूँ कि रब करीम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ शादो आबाद होंगे और मेरी भी बहुत सारी पुरखलूस दुआएं आप सबके लिए कि नाजरीन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हैदराबाद गई थी और मुझे आपको जो मेरा प्लान था कि मैं आते ही आपको अपडेट करूंगी आज मगवी कमसिन बच्ची की जो है वाल्डेन से मुलाकात हुई तो उसमें क्या हुआ और थोड़ा सा मुझे दुख होता रहा कि मैं जो हूँ आज मिस किया मैंने लेकिन क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बेटी की शादी थी तो मुझे जाना ज़रूरी था और उसके घर की पहली खुशी थी खैर आफियत से अलहमदिल्ल शादी निमट गई लेकिन मैं जब आई हूँ हैदराबाद से तो मैं बिल्कुल बेसुध धो के बेहोश पड़ के सो गई और बहुत देर बाद मैं उठी हूँ तकरीबन मगरिब की अज़ान के बाद और उसके बाद फिर मैंने मेहदी काजमी साहब को ट्राई किया सामा भाभी को ट्राई किया तो सैमा भाभी का तो खैर मोबाइल आजकल उनके पास है नहीं उनका मोबाइल ख़राब हो गया तो मेहदी भाई जो हैं जिस रोज़ बच्ची से मिलने जाते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि वो शुगर पेशेंट हैं तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ से और बहुत ज़्यादा जो है थक जाते हैं और बच्ची से जिस दिन मिलकर आते हैं तो उस दिन इन दोनों मियाँ बीवी को काफ़ी हद तक सुकून आता है तो ये लोग थोड़ी बहुत देर सो जाते हैं तो मैं मुस्तकिल मेहदी भाई को फ़ोन कर रही थी तो शायद वो सो रहे होंगे तो इसलिए उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया लेकिन मैदी भाई की फ़ैमिली में भी क्योंकि कुछ लोगों से मेरी अच्छी सलाम दुआ है तो मैंने मैदी भाई की फैमिली में कॉल की थी तो मुझे वहाँ से जो दो तीन बातें पता लगी तो मैंने सोचा कि भले रात हो गई है लेकिन मैं जो है अपनी ज़बानी आपके साथ दो तीन चीज़ें शेयर करूँ तो जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया यही बताया कि बच्ची जो है आज भी बाबा और माँ के लिए तड़प रही थी और आज बस वो लम्हा जिस तरह से वो बता रही थी कि वो लम्हा जो है वाकई अगर आ, सोचें क्योंकि हम अपने सीने में एक दिल रखते हैं और दिल भी माँ बाप का दिल होता है ना तो आ, बिल्कुल बच्ची ने जो है वो आ, मुलाकात पे कहा कि बाबा आपने तो मुझसे वादा किया था कि अब जो आ, आप जो है मुझे कुछ ही दिनों में आके ले जाएंगे और लेकिन अब फिर पंद्रह सोलह दिन गुज़र गए तो मेहदी भाई ने जो है आ, मैंने लिख लिया था जो मुझे फ़ोन पे बता रही थी तो मेहदी भाई ने जो है बच्ची को माथे पे बोसा दिया और इंतहाई शफकत के साथ सीने से लगाया और बड़े प्यार से बच्ची को समझाया कि बेटा मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हें लम्हों में घड़ी की चौथाई में अपने साथ उठा के घर ले जाता लेकिन क्या करें कि ये मामला अदालत में चल रहे हैं और पाकिस्तान का जो अदालती सिस्टम है हमें उसको फॉलो करना है हमारी मजबूरी है आप मेरा बच्चा आप दस तारीख को या दस से बारह तेरह तारीख़ को आप घर चली जाती मगर अफसोस के जज साहब नहीं आए थे उस पर बच्ची ने इंतहाई मासूमियत से कहा कि बाबा मैं जनाब सैदा की मन्नत मानूंगी। बच्ची जो है अपनी मदद के लिए जनाब जहरा सलाम को बुलाना चाहती है बुला रही है बच्ची ने कहा कि बाबा मैं जनाब सैदा सलाम की मन्नत मानूँगी कि अब जो तारीख़ है यानी 19 तारीख उस पर जो है जज साहब लाजमी आ जाएं और वो मुझे जो है फ़ौर आपके साथ जाने का कह दें बच्ची की मासूमियत बच्ची की तड़प और बच्ची वहाँ अकेला कितना अपने आप को तना फील कर रही है ये आप इन जुमलों से महसूस कर सकते हैं ख़ास वो लोग जो साहेब औलाद हैं जिनके घरों में बेटियां हैं अल्लाह किसी पे भी ये वक्त ना लाए अल्लाह किसी पे भी ये वक्त ना लाए सबकी बच्चियां अपने घरों में माँ बाप के साय में परवान चढ़ें पढ़ें लिखें अपने मुस्तबिल को बनाएं पाकिस्तान का नाम रोशन करें अपने वालदे का नाम रोशन करें अल्लाह ताला इस तरह के तमाम गेंग को और इनको सपोर्ट करने वालों को और इनका दफ़ा जो करते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के उन सब को नस्त नाबूद करें परवरदिगार उनको गारत कर दे किस तरह से उन्होंने माँ बाप का कलेजा छन्नी किया हुआ है तो नाजरीन आज की ये मुलाकात थी काश के मुझे अगर हैदराबाद ना जाना होता तो मैं ये मनाजिर आपकी अपने कैमरे में कैद करके महदी भाई और सैमा भाभी से आपको जो है वो उन्हीं की ज़बानी सुनवाती लेकिन बहरहाल ज़िंदगी चलती है आज ऐसे ही सही इस दुआ के साथ कि मालिक कायनात जो है अब जो 19 तारीख़ आ रही है उस पर इस बच्ची को वालदे के हवाले करा दें ताकि बच्ची और वालदेन दोनों सकून में आ जाए तो नाजरीन दूसरी तरफ़ एक आग लगी हुई है एक भौचाल आया हुआ है ज़मीन लरज रही है उनकी उनको अपने गिरद घेरा तंग होता हुआ नज़र आ गया है तो बहत्तर घंटे या मेरे ख़्याल से सत्तर घंटे होंगे उन्नीस तारीख में नाजरीन मुलिम जहीर जो है और इसका जो गेंग है जो पूरा माली टब्बर है ये अपने सारे सारे ताश के पत्ते फेंकेंगे अपनी सारी चालें चलेंगे ये अपनी इम्कान कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह कुछ भी करके बच्ची ना अदालत पहुँचे ना बच्ची माँ बाप के हक़ में बयान दे कोई ऐसा रोड़ा कोई ऐसी दरख्वास्त ज़रूर ज़रूर करेंगे क्योंकि इनको अपनी जान तो बचानी है ना इनको पता है कि तमाम तर सबूत हमारे ख़िलाफ़ हैं हमारी तमाम तर चोरियाँ पकड़ी जा चुकी हैं तो नाजरीन आपसे भी इल्तमास है कि दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मजलूम वालदेन के लिए और बच्ची के लिए आसानियाँ पैदा करे और इस गेंग को इसकी चालों से रोके इनको ना नाकाम कर दे तो नाजरीन आज की जो मुलाकात थी वो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स थे मुख्तसरन मैंने आपको बता दी इन शाह तजी जो जो इसके अंदर अपडेट्स होंगी मगबी कमसिन बच्ची बिनते काजमी के हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी और आखिर में वही आपसे दरख्वास कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और अपना अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए खुशियाँ बाटिए खुशियाँ समेटिएम से नफरत कीजिए मज़लूम का साथ दीजिए अल्लाह ने गेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद